जी कौन मछली भैया? कांगड़ा कांगड़ा। ये भी कांगड़ा है। अरे भाई रेडी है जाने के लिए, बहुत रेडी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दीघा न्यू सी बीच वेस्ट बंगाल। दोस्तों अभी हम लोग अपने जा रहे हैं अपने कार से। दोस्तों इस ट्रिप में मैं हूँ, मेरी दीदी है, मेरे जिया जी है और मेरी छोटी सिस्टर है और एक मेरे छोटे मामा जी है यानी मेरे भागना। दोस्तों मेरे होम टाउन धनबाद से दीघा न्यू सी बीच वेस्ट बंगाल का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। दोस्तों अभी मैं अप्रोक्स 180 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ। दोस्तों अभी हम लोग एक स्पॉट पर रुके हुए हैं और हम लोग का यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त दोस्तों यहाँ का नेचर है, सीन यहाँ का बहुत ही मस्त। करेंगे पर बड़ी स्पीड में गोवा वाले बीच में, खाली खाली सीट पे प्यार मोहब्बत करेंगे रानी, करेंगे पर बड़ी स्पीड में। दोस्तों हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन दीघा पहुंच गए हैं। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं नाइट में स्टे करने के लिए, लॉज खोजने के लिए। दोस्तों अगर आपको सस्ता लॉज चाहिए तो आपको 20 से 500 मीटर पहले ही लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बीच के बगल में जितना भी होटल है लॉज है अभी दोस्तों एकदम कॉस्टली है, एकदम कॉस्टली लॉज इधर मिलेगा। और वही अगर आप 500-600 मीटर पहले लेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर 500-600 या 700 में हो जाएगा और AC लेंगे तो 1000 तक दोस्तों हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 AM हो रहे हैं और हम लोग दीघा बीच के पास एकदम पहुँचने ही वाले हैं एकदम। दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है और समंद की लहरें के अभी साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हम लोग फाइनली दीघा सी बीच के पास एकदम पहुंच गए हैं और दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का बीच का। और दोस्तों अभी 5:30 AM ही हो रहा है और यहाँ पे देखिए दोस्तों देखिए यहाँ कितना भीड़ हो चुका है, और जैसे जैसे टाइम ओवर होगा दोस्तों और भीड़ भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ सनराइज हो चुका है
और दोस्तों रियली बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा मतलब बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। मैं पहली बार आया हूँ देगा सी बीच और दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत मजा आ रहा है। मैं बोटिंग करने गया था तो मेरा मोबाइल थोड़ा फेंक गया था, घर में मोबाइल काम नहीं कर रहा, मैंने मोबाइल को ऑफ कर दिया था। तो अभी मैंने मोबाइल को ऑन किया, मैं मोबाइल के साथ काम कर रहा और उसके यहाँ पर देखिए यहाँ मेरे मामा मतलब मेरे भगना जी देखिए नारियल खा रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों मैं मॉर्निंग में दो से तीन घंटा नहा चुका हूँ समुद्र में, दोस्तों मेरा मन फिर भी नहीं भरा, मैं फिर से जा रहा हूँ दोस्तों नहाने के लिए, फिर से दोस्तों मैं नहाऊंगा एक दो घंटा और, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मन ही नहीं भर रहा, थक जा रहे लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा दोस्तों। यहाँ पर किसी का भी मन नहीं भर रहा है, भले इंसान थक जा रहे दोस्तों, थक जा रहे हैं वो जल्दी जाके नहाने पानी पिटा रहे हैं तो फिर से नहा रहे हैं दोस्तों। बहुत आनंद लग रहा है, बहुत मजा, आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर आए और पूरा आनंद ले सी बीच का। तो अभी हम लोग देखा कि इसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो कैसे बीच है अभी हम लोग वहीं पर है दोस्तों। ये बीच जो है ना ये हम लोग पहले से बेच वाले दोस्तों, ये भी है उड़ीसा में और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा मछली लग रहा है, यहाँ पर मिल रहा है बहुत सारा मछली का आइटम भी है यहाँ पर, अलग अलग मछली वैरायटी है। कौन मछली भैया? कांगड़ा है। कांगड़ा? ये भी कांगड़ा है। अरे भाई Thank you.
दोस्तों हम लोग जा रहे थे लॉज की तरफ, तो सोचा एक बार क्यों ना एक बार शाम का भी व्यू देख ले। तो दोस्तों हम लोग फिर से वो जा रहे थे 20-20 के पास में इवनिंग व्यू देखने के लिए, वहाँ पर इवनिंग का व्यू कैसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं इवनिंग का व्यू कैसा है वहाँ पर। दोस्तों ये देखिए ये है इवनिंग का व्यू। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:30 PM। दोस्तों देखिए आप समुद्र का पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और सभी लोग घर जा रहे हैं धीरे धीरे, सभी को मतलब अपना लॉज की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे अब। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग का वीडियो कौन सा सबसे अच्छा लगा वो कमेंट कर जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।